और एक बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। शिंगरोबा मंदिर के पास गहरी खाई में गिरी बस, हादसे में 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। बस खाई में गिरी है, 10 लोगों की मौत की सूचना मिल रही। संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? बेहद दुखद हादसा, 10 लोगों की मौत, और क्या इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह तड़के 4 बजे के आसपास की दुर्घटना, ये दुर्घटना घटित हुई है। और ये बस पुणे से मुंबई की दिशा में आ रही थी, और जो बस में लोग सवार थे एक संस्था से जुड़े हुए लोग थे, जो कि एक निजी कार्यक्रम के लिए पुणे गए हुए थे। और कल रात को पुणे में जब उनका कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसके बाद बस से वापस मुंबई के गोरेगांव इलाके के रहने वाले हैं, तो गोरेगांव आ रहे थे। लेकिन जैसे ही रायगढ़ के खोपोली इलाके में पहुंचे, वहां पर सिंगरोमा मंदिर के पास में बस जो है में लगभग 200 फुट गहरी खाई में गिर गई। लेकिन ये घटना कैसे घटित हुई, क्या ड्राइवर को नींद की झपकी आई या फिर कोई और वजह थी, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक 10 लोगों के मौत की पुष्टि रायगढ़ के एसपी ने की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये एसपी का कहना है, क्योंकि बस बेहद गहरी खाई में गिरी है और वहां पर क्रेन बुलाई गई है। क्रेन के जरिए लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। बिल्कुल राजीव, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप नजर बनाए रखें, हम लौटते रहेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।